नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। अभी हम लौरिया नगर पंचायत के चुनावी दंगल में हैं। यहाँ चुनावी दंगल का आज आखिरी दिन है और सभी प्रत्याशी अपने अपने दमखम पे अपना अपना भाग आजमा रहे हैं। इसी क्रम में हम एक ऐसे प्रत्याशी के पास हैं जिनके मन में एक उमंग है कि अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। पॉलिटिकल और सोशली ये एक्टिव भी रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इनकी जबानी, इनकी कहानी कि इनके मन में क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, इनके एजेंडे क्या है, इनके वो क्या इश्यूज हैं जो इनको इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर किया है। तो इनसे जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम अरुण दास होगा, मैं साबरमती देवी का अभ्यर्थी हूँ जी। मैं वार्ड नंबर 6 से मेरी माता श्री साबरमती देवी चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनका सारा नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं यहाँ की, उसे मैं जिस उद्देश्य से मुझे वोट को नेतृत्व कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस पर खड़ा उतरूँ जी। तो यानी ये लोगों का जो उद्देश्य है वो आपका उद्देश्य है। थोड़ा सा आप लोगों को मैंने ऑन रिकॉर्ड बताना चाहेंगे कि आपके उद्देश्य क्या हैं, आपके वो मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के आपको विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और वो आपके मन में क्या है, वो मुद्दे क्या हैं जी। देखिए, जो समाज का शोषण हो रहा है इस समय जो पिछले चुनाव में समाज का शोषण हुआ है, मैं उसको सुधार करना चाहता हूँ। और मुझे जिस दिन से मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे वोट करेंगे, मैं उस पर पूरा से पूरा अपना खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। आप लोग जिस सपोर्ट मतलब सपोर्ट करेंगे, आप खड़ा उतरेंगे, लेकिन आपके मन में क्या है? जैसे विकास की एक बात होती है, करप्शन फ्री नगर पंचायत होती है, तो विकास के एजेंडे पे अगर हम बात करें तो आपके मन में क्या है, विकास आपके यहाँ क्या है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ की नाली की समस्या है। हमारी वार्डे में मतलब नाली की कहीं व्यवस्था है ही नहीं है, और लोगों का अगर सहयोग साथ रहा तो जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, यहाँ सबसे अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो नाली का है। नाली अतिक्रमण का शिकार भी है, चूँकि नाली बनी ही नहीं है, लोग रोड भी ये करके हैं। तो आप जब विजय प्राप्ति आपकी होगी तो आप नाली पर काम करेंगे, और कोई मुद्दे हैं जिन पर आप काम करेंगे? देखिए, बहुत मुद्दा है, गरीबी है यहाँ पे, लोगों से जिस नेतृत्व में उन लोग भी लड़ रहे हैं, वो समाज में दो कदम चले हैं या नहीं चले हैं, लोग इसमें प्रतिपक्ष लोगों पर जाता है, लोगों समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम जिस समाज से जुड़े हैं, जिस उद्देश्य से हम लड़ रहे हैं, लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसका परिणाम 30 तारीख को मिलेगा जी। आप जिन उद्देश्य से लड़ रहे हैं, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो एजेंडा है, वो समाज के लोग, आपके वार्ड के लोग जान रहे हैं, और इनके अनुसार उनका उसका जो परिणाम है वो 30 तारीख को आएगा। जनता बता देगी कि कौन उनके उनके लायक है, कौन उनके लायक नहीं है। सर, आखिरी सवाल, 28 तारीख को वोटिंग है, आप जनता जनार्दन से वार्ड नंबर 6 के जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना और सादर आमंत्रित करता हूँ, जो भी हमारे वार्ड के सम्मानित जनता है, वो हम कृपया करके हमें वोट करें, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास के साथ धोखा नहीं होने दूंगा जी। जनता इनके अनुसार, जनता इनको अपना आशीर्वाद दे और ये विश्वासघात नहीं करेंगे, यानी जो वादा किए हैं उसको निभाएंगे। मैं वार्ड नंबर 6 की लौरिया गरम पंचायत जनता से अपील करता हूँ कि 9 नंबर क्रम संख्या 9 पर कैमरा छाप है, उसे मुझे वोट करके मुझे विजय का आशीर्वाद दे। मैं सभी जनता जनार्दन से ही अपील करता हूँ, मैं आपका सदाभरी रहूंगा। सर, आपका शुभ नाम? हमारा सर नाम नंद किशोर दास पड़ेगा। नंद किशोर दास जी, आप कैमरा छाप जो है, हाँ, उनके जो प्रत्याशी हैं उनको किस नजरिए से देखते हैं, क्या वो जीतने के बाद काम कर पाएंगे या नहीं? करेंगे, विश्वास है। विश्वास है, हाँ। आप उनको सपोर्ट भी करते हैं? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। आपका नाम?
मेरा नाम धुरंधर दास है जी। धुरंधर जी, आप कैमरा छाप की जो प्रत्याशी हैं सुब्राती देवी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि वो अच्छा से काम करेगी, पूरा विश्वास है। विश्वास है आपको? जी। बाबू, आपका शुभ नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी। फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे होंगे? जी जी। तो फर्स्ट टाइम किसको वोट देंगे आप? वीडियो कैमरा के पास। वीडियो कैमरा के पास, क्यों? कोई खास? बहुत अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है, इसलिए उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। आपका शुभ नाम सर? जी सर, मेरा नीरज कुमार दास है। नीरज कुमार दास जी, जी आप कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया है। कैमरा छाप के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो आज तक भटकते रहते हैं जी, भटके हुए हैं। हमारे समाज को जितने भी छोटे बड़े जो मिडिल क्लास या लो ग्रेड के लोग हैं, आज तक जो है इंदिरा आवास का लाभ ठीक से नहीं मिल पाया है जी जी। और बहुत सारे फूस की मकाने अभी तक कच्ची, हाँ कच्ची पड़ी है जी जी। तो हम लोग अपने से इनको खड़ा करवाए हैं, ताकि जितने समस्या है हमारे वार्ड में और 15-20 साल से हम लोग जो गरीब और असहाय जो लोग हैं, उनकी मदद कर जी, उन्हीं के वजह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनको। तो आपको मतलब पूर्ण विश्वास है? चलिए, विश्वास नहीं जी, हम लोग इनसे लड़ सकते हैं। अच्छा, लड़ सकते हैं जी। ये हमसे हम इनसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि जीत करके जाएंगे और घर पे बैठ जाएंगे। अच्छा अच्छा, यानी अकाउंटेबिलिटी है जी। चलिए, समाज के बीच में रहते हैं, हर कदम चार कदम चलने के लिए दिन हो या रात हो तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, लौरिया।